क्या आप जानते हैं विराट कोहली एक क्रिकेटर नहीं है बल्कि एक बिजनेसमैन है। इसलिए विराट कोहली आपको कैसे बेवकूफ बनाते हैं चलिए जानते हैं। विराट कोहली अभी के समय में सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं और सभी क्रिकेट प्लेयर यानी कि जितने भी इंडियन प्लेयर हैं वो एक स्पॉन्सर के जितना पैसा लेते हैं ना उतना तो विराट कोहली उस स्पॉन्सर से दुगना पैसा ले लेते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? क्रिकेट प्लेयर तो सभी हैं मगर विराट कोहली सबसे ज्यादा पैसा आखिर क्यों लेते हैं? यहाँ सबसे बड़ी बात आती है ना ब्रांड इमेज की। देखो इसे इस चीज से समझते हैं, फुटबॉल में सिर्फ रोनाल्डो ही क्यों फेमस है बाकी लोग क्यों नहीं? क्योंकि फुटबॉल तो सभी खेलते हैं और हो सकता है कोई ऐसा खिलाड़ी हो जो कि रोनाल्डो मेसी से भी ज्यादा अच्छा फुटबॉल खेलता हो। लेकिन यही प्लेयर ज्यादा क्यों फेमस है? क्योंकि इनकी शुरू से ही एक ब्रांड इमेज बन चुकी है। ठीक उसी प्रकार से विराट कोहली भी फेमस है। जैसे कि बाकी क्रिकेट प्लेयर को आप देखेंगे तो उन्हें सिर्फ क्रिकेट लवर के अलावा और कोई नहीं जानता, जबकि विराट कोहली एक ऐसे क्रिकेट प्लेयर है जिसे कोई भी इंसान जो कि क्रिकेट नहीं देखता वो भी एक बार इन्हें देखकर ये पहचान लेगा कि आखिर ये शख्स कौन है। लेकिन विराट कोहली इतना फेमस नहीं होते अगर उस समय उन्होंने ये गलती कर दी होती, ना ही उनका इतना बड़ा कभी ब्रांड इमेज बनता। देखो आप तो ये जानते हैं जब विराट कोहली का इंडियन टीम में सिलेक्शन होना था उस समय उनके दिल्ली के साथ मैच चल रहा था और उसी समय उनके साथ ऐसी कुछ घटना हो गई जिसके चलते वो काफी बेकार सिचुएशन में फंस गए थे, जिसमें एक तरफ उनके फादर नहीं रहे थे और दूसरी तरफ क्रिकेट मैच हार रहे थे। उस इट वाज अ वेरी हार्ड टाइम इन माय लाइफ दैट हैपेंड इन 2006 एंड The Delhi Ranji Trophy team, which is the first class team. अगर ये क्रिकेट न खेलकर घर चले गए होते तो शायद इनका करियर आज इतना आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि विराट ने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस देकर अपने रास्ते को बनाया है। अगर हम बात करें विराट कोहली के नेटवर्थ की, अभी के समय में लगभग 1050 करोड़ रुपए, यहाँ तक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी ज्यादा। लेकिन विराट एज अ क्रिकेटर उन्हें BCCI की तरफ से सिर्फ 7 करोड़ रुपए एनुअल मिलता है, जैसे कि बाकी क्रिकेट प्लेयर को मिलता है। वैसे में विराट कोहली की नेटवर्थ इतना कैसे बढ़ गया? इसीलिए हम बात कर रहे थे ब्रांड इमेज की, क्योंकि ये एड से, ब्रांड से और खुद की बिजनेसेस से भी काफी ज्यादा पैसा कमाते हैं, जिसकी वजह से इनका नेटवर्थ आज इतना हो पाया है। जैसे कि विराट कोहली की कई सारे साइड बिजनेसेस हैं, जैसे इनकी कंपनी है 1-8, पर अगर कोई दूसरी कंपनी विराट कोहली के नाम से कोई प्रोडक्ट बेचना चाहती है तो उसके लिए 1-8 लाइसेंस देती है, जैसे कि पूमा अपने जैकेट, क्लोथ और शूज बाकी प्रोडक्ट निकालती है। इतना ही नहीं, विराट कोहली तो खुद पूमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं और इनकी खुद की कंपनी रॉन्ग भी है जो कि एक क्लोथिंग ब्रांड है। इतने नहीं, साल 2022 में विराट कोहली ने कॉफी ब्रांड रेज में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए और अभी के समय में वो उस ब्रांड के ओनर बन चुके हैं। नहीं, उनका फिटनेस ब्रांड भी है ई सेल फिटनेसेस और इसी तरीके से कई सारी कंपनियां हैं जिनका लिस्ट ये आप देख सकते हैं। बाकी इनकी इनकम के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।